कांग्रेस कमेटी ने विश्वास जताया है और इनको विधानसभा जो सुकमा है, कोंटा है, वहां से जिम्मेदारी निभाने के लिए बताया गया। मैं आपको बता दूं, छिंदगढ़ ब्लॉक के अंदरूनी क्षेत्रों में मैं हूं और एक तरफ यहां पे मलकानगिरी लगता है। अभी मैं गांव में आ रहा था और मैंने देखा कि जगह जगह पे पहुंचने की जो व्यवस्था जो है हुई है उसे हम आसानी से आ जा पा रहे हैं। गांव की भी स्थिति देखा और बहरहाल आप हमारे पीछे देख रहे होंगे ग्रामीण किस तरह से अपने नेता मंत्री कवासी लखमा जी को सुनने के लिए बैठे हुए थे और इन्होंने एक बड़ा संबोधन भी दिया। क्षेत्र में भी अच्छे विकास के काम दिखाई दे रहे हैं। तमाम सारी नई योजना के भी बारे में बताया कि अगर फिर से सत्ता सरकार इनके हाथ में आती है तो किस तरह से गांव का विकास किया जाएगा। अंदरूनी क्षेत्रों में दिन रात आपके द्वारा जो है भ्रमण किया जा रहा है, क्या कुछ आपको लग रहा है कि अब इससे और कितना अच्छा हो पाएगा? आज कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमान ने खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, भूपेश बघेल ने मेरे को 60वां बार मौका दिया है तो मैं उसका कड़े उतरने का कोशिश करता हूँ। तो जिस गांव में हम लोग बैठे, मैं एमएलए नहीं थे, इन लोगों ने समय शामिल करने का मांग करते थे, या पुल नहीं था, पुलिया नहीं था। आज इस गांव में आने से 2008 का चुनाव में यहाँ के लोग तोंगपलिया से देखे हो 35 किलोमीटर वहाँ पुलिंग हुआ है, ट्रैक्टर में जाके वोट डले तोंगपाल में, थाना में। बहुत लोग जाते भी नहीं होंगे, फिर कहाँ जाएंगे? तो अभी क्या व्यवस्था हुई है? अभी पर पोलिंग होगा। अभी हम लोग को बहुजन जनता पार्टी और कोई भी आदमी बोलता है नक्सलट खत्म नहीं हुआ है, और तोंगपाल में पोलिंग बूथ होने वाला, इन घर में पूछो, ट्रैक्टर में जाते रहे, आज यह पोलिंग बूथ होगा, ये आराम से सो रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, कोई भय नहीं, डर नहीं। इसलिए हमारा सरकार माननीय भूपेश बघेल विश्वास, विकास, सुरक्षा, लोगों को भरोसा दिया, रोडे बनवाया। जीराम घाटी में लोग 12 बजे दिन को नहीं जाते थे, अभी 24 घंटे जाते हैं, वह डर भय नहीं है। तो पहले नेशनल हाई रोड से हम लोग अंदर 5 किलोमीटर नहीं जा सकते, तो आज पूरा इतना यहाँ से उड़ीसा है, उड़ीसा बॉर्डर मातली में आया हूँ, या कोई भय डर नहीं। तो विकास आप देखा होगा, लाइट मैं लगाया हूँ, पुल पुलिया मैं बनाया हूँ, डामो रोड में ही बनाया हूँ, आश्रम हॉस्टल में ही बनाया हूँ, कोई नहीं बनाए थे। तो नदी इस क्षेत्र के लोग मेरे को दादी का रूप में, भाई का रूप में प्यार करते हैं, मैं भी उनका ही दूल्हा प्यार करता हूँ। जब भी कोई दुख हो, चूक हो, चाहे बुखार हो, पुलिस हो, तहसील हो, ये सब का काम इस क्षेत्र में मेरा बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष है, मैं एक MLA हूँ, दोनों हम लोग पारी पारी इन लोगों का हर मदद के में खड़े रहते हैं, और उन लोग भी मेरा सुना समय मदद करते हैं। इसलिए कहीं पर भी कोई रोकने वाला है ना, कोई मुर्दा बदला लगाने वाला है, सब हर पारा में कुर्सी लगा के लोग बैठे हैं, दादी आ रहा है। तो मेरे को MLA नहीं बोलते, मंत्री नहीं बोलते, दादी बोलते हैं, घर का प्यार का बच्चा है। इसलिए आने वाला चुनाव में 2003 में मैं 17,000 वोट से जीता था, उससे ज़्यादा वोट से इस साल जीतेंगे। कहीं कहीं लोग कह रहे हैं कि आपके से जो है लोगों को विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? वो मेरे से विरोध नहीं कर रहे हैं, वो मेरे कार्यकर्ता से मनीष कुंजाम चार्जिस के माध्यम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मनीष कुंजाम बोलता है वो पढ़ा लिखा आदमी है, और उनसे कभी सवाल करो ये क्या बोलता है, लोगों को भड़काता है, कहीं नदी में जाता है तो नदी को बेच दिया, कहीं पहाड़ एरिया में जाता है तो पहाड़ को बेच दिया, कहीं मैं एक देश में कानून है, कायदा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो उसके बाद बोलता है नौकरी को बेच दिया। पिछले समय 700 नौकरी सुकमा जिला में आया था, 70 लाख में बेचा है। मैं बोलता हूँ बोकड़ी बैला को बेचते हैं, नौकरी कैसे बेचेंगे? तो LLB किया है एक ऐसा आदमी, पूछो ते चिंतालार में जाके पछाड़ दिया। मैं बोलूंगा ना जंगल काट के तुम लोग को गांव का पैसा दूंगा, बोलता है जंगल को काट के गांव वाले को पैसा मिल गया, एकदम पागल हो गया। तो इसके कारण थोड़ा बहुत मतवार सतवार लोग कार्यकर्ता के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। मैं तो शुरू चुनाव में, मेरा बेटा है अभी इतना बड़ा है जिला पंचायत अध्यक्ष, उस समय अंटन अभी मैं 25 साल हो गया, मेरा बेटा को 2 डंडा मारे हैं, उसी का परिणाम मेरा बेटा जिला पंचायत में ऊपर ऊपर घूम रहा है, मनीष कुंजाम नीचे नीचे जा रहा है।
ये काली मनीष कुंजाम को चुनाव हारने का समय नीति बताना चाहिए, मैं बनूंगा तो ये करूंगा, पुल बनाऊंगा, वो नहीं बनाएगा, कांग्रेस वाला को मारो भगाओ, इसलिए तो पूरा खत्म हो गया कम्युनिस्ट पार्टी, ना जनपद में, ना जिला में, ना जिला पंचायत एक है। तो ऐसा कभी होता है क्या? दादागिरी कितना दिन चलता है? हिटलर का नहीं चला, कैसे चलेगा? यहाँ चलेगा तो प्यार, मोहब्बत, विकास, विश्वास। और अभी तो मुझे लगता है खाली जनता की ही चलेगी। यहाँ जनता के साथ साथ कोवासी लखमा का चलता है। ये प्यार बोल रहा है? प्यार, मोहब्बत, कैसा रे? प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है? ताली मारो। तो मेरा बूढ़ा हो, जवान हो, सियान हो, पुजारी हो, गायता हो, सबको प्यार से भाषा बोलते हैं। और धमकी से बात बोलने से लोग डरने वाला नहीं है, जंगल का चीर मोने, सही बात है? नहीं, जंगल में जो आदमी रहता है क्यों डरता है? शेर से लड़ने वाले आदिवासी लोग कहीं मनीष को जब डरेंगे? किसके माए नहीं, बाप नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी चला गया, विधवा हो गया, पार्टी छाप छोड़ के भग गया, तो इसको थोड़ा बहुत झुक के बात करना है, झुकता नहीं हो। कभी बोलता है रामविलास का बिल्डिंग मेरे को होगा, फलाना बिल्डिंग मेरे को होगा, कभी बोलता है छठवियान से उसी लगाऊंगा, वो अपना मर्जी से खूब बोलते रहता, बहुत ऊपर सोचता है। अमेरिका राष्ट्रपति से, क्या नाम है अमेरिका राष्ट्रपति? अभी तो वाइडन, ये वाइडन से ऊपर सोचता है। तो वाइडन से नीचे सोचो ये बस्तर है, ठीक बात है कि नहीं? तो ऐसा लोगों को जनता बहुत समझती है, ये जल्दी समझती है, बोलती नहीं है, चुप रहती है, मुस्कुराती है, देती है बत्ती। धन्यवाद। तो देखें मंत्री का वासी लखमा जी हमारे साथ में थे और क्या कुछ कहा। बहरहाल आप देख रहे हैं किस तरह से लोग तालियों से जो है गड़गड़ाहट कर रहे हैं, और जो यहाँ की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसको लेकर के किस तरह से जो है आप देखें क्षेत्रीय भाषा में जो है बताने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल लोकतंत्र के इस महात्यौहार में साधना न्यूज हमेशा से आपसे अपील करते आ रही है कि कृपया अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र के त्यौहार में जाकर के अपने मत से देश के विकास में और प्रदेश के विकास में भागीदार बने। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, सुकमा।